हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की MRS अकाउंटेंट की प्रैक्टिस सेट्स चल रहे थे। इसका काफ़ी वीडियोस मैं इसके जो क्लासेस की अलग से प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है चैनल पे मिल जाएगी, उसको मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसमें एक दो पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसकी और भी वीडियोज़ आ जाएंगी। इसके प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करवा रही थी आप लोगों को, तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो रहेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी करना है। आइए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग? लेखांकन में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है? क्योंकि तो अकाउंटिंग आज के टाइम में तो आप देख रहे होंगे कि क्या है, चीज़ें काफ़ी अपडेट होती जा रही हैं, तो धीरे धीरे जो अकाउंट्स भी हम बनाते हैं वो मैनुअली ना रख करके अब क्या किए जाते हैं, कंप्यूटर पे ही बनाए जाते हैं। तो लेखांकन में जो कंप्यूटर होता है उसका क्या उपयोग होता है? टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, सभी व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना। टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ लेजर, विभिन्न प्रकार के लेजर खाते तैयार करना। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों को तैयार करना। ऑल ऑफ द अबव, तो सभी। तो यहाँ पर क्या काम करता है कंप्यूटर अकाउंटिंग में, तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सभी जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं कंप्यूटर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, करेक्ट है। ये लेजर खाते तैयार करता है, ये भी करेक्ट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, ये भी करेक्ट है। मेन ये होता है कि इसमें बहुत ही ईजी हो जाता है चीज़ों को बनाना। पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जो भी हमारी कंपनी होती है, जैसे आप लोगों ने अगर टैली सीखी होगी तो टैली में पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, फिर जो भी अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसमें एक चीज़ होती है कि पहले अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ट्रेजर पहले बनता है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज हो जाती हैं, और एक क्लिक पर आपको सारे स्टेटमेंट आसानी से बन जाते हैं, सब कुछ अलग अलग नहीं बनाना पड़ता, तो काम क्या होता है आसान हो जाता है। तो लेखांकन में क्या प्रयोग है, ये तीनों ही प्रयोग आ जाएंगे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन? आयकर अधिनियम के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। परचेज प्राइस, तय मूल्य पर, मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू, अपेक्षित मूल्य पर, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य पर। कि जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है इनकम टैक्स के अंडर में, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें जब हम जो है डिप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट्स पर, तो किस वैल्यू पर लगाते हैं? क्योंकि किसी भी एसेट की कई तरह की वैल्यूज होती हैं, बुक वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, डिप्रिसिएबल वैल्यू होती है, अलग तरह की होती हैं। तो जब हम आयकर अधिनियम के अंतर्गत लगाते हैं तो वैल्यू हो जाती है रिटर्न ऑन वैल्यू, अपलिखित मूल्य पर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अप्लीकेबल टू अ कंपनी अदर देन ए कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी पर लागू होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ITR इसमें से दे रखे हैं वो कौन से ITR जो होंगे, वो ऐसी कंपनी पर अप्लीकेबल होते हैं जो कि जो सेक्शन 11 है उसके अलावा, यानी कि कोई कंपनी है जो सेक्शन 11 के अंतर्गत क्लेम फाइल करती है, उसके अलावा बाकी जो कंपनीज होती हैं उनके पर वो ITR लागू होता है। ITR 4, ITR 6, ITR 5, ITR 3। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, वो हो जाएगा ITR 6। जो ITR 6 होती है वो लगती है बाकी कंपनियों पर जो कि धारा 11 के तहत छूट का दावा करने नहीं करती हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि जो सेक्शन 11 है वो क्या है। सेक्शन 11 जो है ये ऐसी इनकम्स या ऐसी कंपनीज की बात करती है जो कि किसी भी रिलीजियस पर्पज से या फिर चैरिटेबल पर्पज से खोली जाती हैं, तो वहाँ पर उनको ITR 6 फाइल करना होता है, क्योंकि ये उनको टैक्स नहीं पे करना होता है, तो इसके लिए उनको ITR 6 भरना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड, धारा 80C से 80U के अंतर्गत कटौती से अधिक नहीं किया जा सकता है। ग्रॉस टोटल इनकम, कुल सकल आय, टोटल इनकम, फुल आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से प्राप्त आय। यहाँ पर क्वेश्चन आप कह रहा है कि जो धारा 80C से 80U होती है, सेक्शंस जो डिडक्शन के लिए बनाई गई हैं 80C से 80U की, उसमें जो डिडक्शन दी जाती है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना जो होगा वो किससे अधिक नहीं होगा, तो वो होना चाहिए
जो ग्रॉस टोटल इनकम है कुल सकल आय है उससे अधिक नहीं हो सकती। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि जो भी उनको कटौती दी जाएगी, कटौती की राशि होगी, वो उससे ज्यादा नहीं होगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड पजल्स ईटीसी अंडर सेक्शन 194B इफ द पे इज नॉन रेजिडेंट। यदि प्राप्तकर्ता अनिवासी है तो धारा 194B के तहत लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल आदि से जीतने पर टीडीएस की दर क्या है, 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अलग अलग बता रखी है यहाँ पर, 30%, 40%, 35% और 50%। अभी सब तो सेम ही दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज चेंज करी है, थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा तो आपको आसान लगेगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो प्राप्तकर्ता है वो अनिवासी है, क्या है वो, निवासी नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, नॉन रेजिडेंट है। और उसको टीडीएस की दर क्या होगी अगर उसने लॉटरी या फिर क्रॉसवर्ड पजल से कोई भी अमाउंट विन किया है, जीता है, तो उसे कितना जो है टीडीएस उसके पर लगेगा। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शंस आपके दे रखे हैं उसमें से जो टीडीएस की दर होगी वो 30% ही रहेगी, जो 30% का टीडीएस लगता है उतना ही लगेगा, प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, इन तीनों ही चीज़ों को ऐड किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। वस्तु और सेवा कर की अवधारणा किस देश से ली गई है, जीएसटी फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसको जो लगाया गया था तो इसकी जो कॉन्सेप्ट था वो किस कंट्री से लिया गया था, कनाडा से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, ब्रिटेन से या फिर जर्मनी से। तो इसका कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लिया गया था, तो वो लिया गया था कनाडा से, कनाडा के अकॉर्डिंग, कनाडा में जीएसटी लगाया जाता था। तो उन्हीं को देख करके, उसी की एक अवधारणा लेकर के अपने हमारे देश में भी जीएसटी लागू किया गया। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद इंटरेस्ट ऑन रिफंड। आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा रिफंड पर ब्याज से संबंधित है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो कि इंटरेस्ट जो होता है उस पर जो रिफंड दिया जाता है उससे रिलेटेड है, 244A, 244, 240 या फिर 20 सब सेक्शन ए, उसमें से कौन सी ऐसी धारा है जिससे रिलेटेड है, तो वो हो जाएगी 244 सब सेक्शन ए, धारा 244 धारा ए, इसके अंतर्गत जो ब्याज होता है उससे रिफंड लिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट जीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य तथा अंतिम राज्य है। यहाँ पर दोनों चीजें पूछी, कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था और कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे लास्ट में जीएसटी लागू किया है। असम एंड जम्मू कश्मीर, सिक्किम एंड असम, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड असम। सबसे पहले कहाँ जीएसटी लागू हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो प्रथम राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था वो था असम, और जिसने सबसे लास्ट में जीएसटी को इस राज्य ने लागू किया है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो खाली प्रथम पूछ सकता है या खाली अंतिम पूछ सकता है या फिर इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट इज, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है, राधा, रश्मि, लक्ष, लक्ष्मी। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि आपके जो भी इमारत से अकाउंटेंट है इन सब चीज़ों से करता है तो ये आ सकता है एग्जाम में। तो पहले बैंकिंग रोबोट का क्या नाम था, पहले बैंकिंग रोबोट का नाम था लक्ष्मी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये जो लक्ष्मी रोबोट था वो सिटी यूनियन बैंक ने 2016 में लॉन्च किया था। ये क्या है, AI टेक्नोलॉजी पर आधारित एक रोबोट है। तो एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ऑडिट इज कंडक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, सामान्यता किचर डैश की अवधि के लिए किया जाता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अनसर्टेन पीरियड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट कराया जाता है उसकी अवधि क्या होती है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर हम लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो जो ऑडिट कराया जाता है मोस्टली एक वर्ष की अवधि के लिए ही कराया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पता नहीं है कि आपने ऑडिट की जो डिफिनेशन उसी में पढ़ा था कि निर्धारित अवधि यानी कि एक अवधि के अंतर्गत जितने भी आपके फाइनेंशियल जो फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं उन अकाउंट्स का अंकेक्षण किया जाता है कि वो सही वित्तीय विवरण जो है वो सही स्थिति को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, तो एक वर्ष की लेखांकन अवधि मोस्टली रहती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर एक वर्ष से ज़्यादा के जो होते हैं उनका किया जा रहा है, एक वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए जा रहे हैं, तो उसको मोस्टली अनुसंधान कहा जाता है। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ अकाउंटिंग वर्क अंडर विच द वर्क ऑफ वन पर्सन कम्स अंडर अनादर इज नोन एज। लेखांकन कार्य की व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति का काम दूसरे के अधीन आता है उसे निम्न के रूप में जाना जाता है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, मैनेजमेंट ऑडिट। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपसे कि जो अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है उसमें इस तरह से रखा जाए कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति उसको चेक कर लेता है या उसकी जांच कर लेता है या उसके अधीन रहता है, तो वो क्या कहलाता है। इसमें क्या रहता है कि जो भी अकाउंटिंग का काम होता जाएगा और साथ ही चेक भी होता जा रहा है, तो उसमें ये बेनिफिट रहता है कि किसी तरह की कोई जो फॉल्ट या फिर त्रुटि या फिर अशुद्धि नहीं हो पाती, कोई एरर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कोई गलती एक से होती है तो दूसरा व्यक्ति उसकी जांच कर लेता है तो वो पकड़ में आ जाती है। तो इस तरह का अंकेक्षण क्या होता है, उसे कहते हैं इंटरनल चेक, आंतरिक जांच। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किसका एक भाग है मुझे बताइएगा आप लोग कि ये किसका एक भाग है, इसी में से ही किसी एक का ये एक हिस्सा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये किसका हिस्सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक मींस प्रैक्टिकली कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरिड ऑन बाय द स्टाफ बाय मींस ऑफ विच द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक बाय अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, दिस इज डिफाइंड बाय। यहाँ पर यही आंतरिक जांच जो भी आपने पढ़ा उसी की डिफिनेशन दे रखी है, आपको ये बताना है कि ये किसकी डिफिनेशन है, FRM डिपॉले की, LR डिक्सी की या फिर NRW जॉनसन की या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कभी कभी डिफिनेशन भी एग्जाम में दे देते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी, तो पूछ लेता है कि किसकी डिफिनेशन है, तो ये जो डिफिनेशन है किनकी है, ये डिफिनेशन हो जाएगी FRMD पॉला की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होती है आंतरिक जांच, अभी मैंने आपको समझा ही दिया इस सुपर क्वेश्चन में, तो एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड डेप्ट इज शोन ऑन, बैड डेप्ट यानी कि जो अशोध होता है अब तो उसे कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानि खाते के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो जो बैड डेट होता है उसे आप कहाँ पर दिखाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बैड डेट को हम कहाँ दिखाते हैं, बैड डेट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि बैड डेट क्या होता है, कि इस तरह का डेट जो कि जो ऐसा ऋण है जो कि वसूल नहीं हो पाया है या उसकी होने की आशा भी नहीं है कि वसूल होगा, तो उसे हम बैड डेट मानते हैं। कभी कभी रिकवरी हो जाती है तो उसके अलग से एडजस्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं, एडजस्टमेंट इंट्रीज कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा कहाँ पर उसको हम बैड डेट को दिखाते हैं, तो वो हो जाता है जो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तरह का लॉस ही तो है ये, कि जो भी अमाउंट हमें वसूल हो जाना था, मिल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिला, तो हमारी हानि तो हुई, लॉस हुआ हमारा, और लॉस कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन, अदत्त व्यय लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लाभानी खाते नियोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट लाभानी खाते और आर्थिक चिट्ठे में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं डिटेल में मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ, जहाँ पर लेक्चर्स की वीडियो है वहाँ पर इसको आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। कहाँ पर दिखाए जाते हैं, क्वेश्चन ये आता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपको पे कर देने चाहिए थे लेकिन आपने पे नहीं किए हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। तो उनको कहाँ पर हम दिखाते हैं, उनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाया जाता है और उसे हम बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, क्योंकि वो भी मैंने बताया कि एक तरह के एक्सपेंसेस भी हैं और आपके लिए लायबिलिटी भी है, उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, क्वेरीज, ऑयल वेल्स इटीसी, विच ऑफ द मेथड ऑफ डिपोजिशन इज एडवाइजेबल? खानों, खदानों, तेरती कुओं आदि जैसी संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की कौन सी विधि उचित है? स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि, एनुटी मेथड, वार्षिक विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ह्रासमान संतुलन विधि, डिप्लेशन मेथड, कमी विधि। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी एसेट जो उसने बता रखा है यहाँ पर, जो जिनके बारे में बताया है कि जो तेल के कुएं होते हैं, जैसे जैसे आप उसमें से तेल निकालते जाते हैं तो उसकी मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी कम होती चली जाती। इसी तरह खानों से भी होता है, कोयला निकालेंगे धीरे धीरे कोयले का अमाउंट क्या होता है, कम होता चला जाता है। खदानों में भी यही होता है। तो वहाँ पर जो डिप्लेशन का कौन सा मेथड को यूज किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। वहाँ पर होता है डिप्लेशन मेथड, कमी विधि। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ मशीन ₹4 लाख, यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, रेजिडुअल वैल्यू है ₹25,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज इन द थर्ड ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड? यदि मशीन की लागत 4 लाख है और उसकी जो आयु है वो 5 वर्ष की है, अवशेष मूल्य 25,000 हो, तब ऋजु रेखा विधि का प्रयोग करने पर 3 वर्ष में भारित मूल्यह्रास की राशि क्या होगी? यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है डिप्रेसेशन निकालने का, वो यूज करके बताना है कि तीसरे वर्ष में जो डिप्रेसेशन है उसका अमाउंट कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए क्या दे रखा है, 4 लाख का जो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, संपत्ति का मूल्य, उसमें जो स्थापना व्यय होते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो ऐड कर दिए जाते हैं और माइनस कर दिए जाते हैं निस्तारण व्यय, और अपॉन में आ जाता है अनुमानित समय, यानी कि जितनी उसकी लाइफ होती है वो लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया है, 4 लाख का दे रखा है, तो 4 लाख कितना हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर क्या बता रखा है कि अवशेष मूल्य जो होगा वो 25,000 का है, तो उसको हम लेस कर देंगे 25,000 को यहाँ से। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 5 वर्ष की है, 5 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ पर लेस करेंगे कितना आ जाएगा, 3,75,000 आएगा। 3,75,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 3,75,000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 75,000। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे जो मेथड बताया है वो सीधी रेखा विधि, जब सीधी रेखा विधि होती है तो हर वर्ष उतना ही डिप्रिसिएशन लगता है, तो यहाँ पर थर्ड ईयर में भी 75,000 ही डिप्रिसिएशन आएगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इसे कैसे निकालना है। बस यहाँ पर जो एक ट्रिक थी वो यही थी कि 4 लाख में से आपको 25,000 लेस करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, डैश की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ। तो कितने अवधि के लिए जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं? तो अभी इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया था, तो आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट में कि सही आंसर क्या होगा, कितनी समयावधि के लिए तैयार किए जाते हैं अकाउंट्स, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग ए डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा इज रिगार्डेड एज, क्रेडिट पक्ष पर एक डेबिट आइटम लिखना और इसके विपरीत करने को क्या माना जाता है? यानी कि कोई ऐसी चीज थी जिसे आपको क्या करना था, डेबिट करना था, लेकिन उसे क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, या फिर इसके विपरीत स्थिति कर दी कि क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया। तो इस तरह की जो त्रुटि करी है उसे क्या कहा जाता है, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो इस तरह की त्रुटि को या गलती को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाती है कंपनसेशन एरर, क्षतिपूरक त्रुटि। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड में अमाउंट तो सेम ही डाला जाता है, तो अगर आपने वो दिखा भी गलत दिया है तो भी क्या होता है, क्षतिपूरक हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाता है, इसलिए किसी भी तरह की टोटल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए क्या हो जाती है, क्षतिपूरक त्रुटियाँ कहलाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स आर डैश एंड आर डैश टू डिटेक्ट देन डैश, त्रुटियाँ डैश हैं और डैश इनका पता लगाना है, फॉर डिफिकल्ट मिस्टेक्स, धोखाधड़ी मुश्किल गलतियाँ। यहाँ पर आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भरना है, तो यहाँ पर जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स इजियर फॉर्ड्स, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स डिफिकल्ट फॉर्ड्स, फॉर्ड इजियर मिस्टेक्स, इसको हम कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा कि त्रुटियाँ क्या होती हैं,
त्रुटियां गलती से होती हैं, अजानबूझकर तो आप करते नहीं है, अनजाने में होती हैं, तो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, क्या होती हैं, एंड आर इजियर टू डिटेक्ट देन फ्रॉड्स, और उनको ढूंढना क्या होता है, फ्रॉड्स की अपेक्षा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि फ्रॉड्स जो होते हैं वो पूरी किससे किए जाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, तो फ्रॉड्स को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जो अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं उनको पकड़ना आसान होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। थोड़ा सा लगता है क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा समझने के बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बेस्ड है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।